फर्रुखाबाद में दिवाली से पहले एसओजी और थाना मोदरवाजा ने भारी फोर्स के साथ छापेमारी की। इस दौरान अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर पुलिस ने 5 आरोपियों को 164 किलो बारूद के साथ गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि मदरसों में नकली नोट छापे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अवैध कारोबार की जांच की जाएगी। वहीं राजभर ने 38% मुस्लिमों को नौकरी मिलने की बात करते हुए कहा कि यह आंकड़ा अब घट गया है। क्योंकि जब यादव मारा जाता है तब अखिलेश जी का तो बयान आता है, ब्राह्मण राजपूत भूमिहार यादव पटेल बिंद केवट मल्ला राजभर मारा जाएगा मुसलमान मारा जाएगा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मंगेश यादव का एनकाउंटर होगा तो जरूर बोलेंगे। जैसे बैराज एनकाउंटर हुआ तो उनका बयान आ गया राजनीति में। देखिए उनका काम है दंगे के दम पे राजनीति, हिंदू मुसलमान करके राजनीति किए हैं। मेरठ में पुलिस ने अवैध पटाखा गोदाम पर छापा मारा, जहां खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट का भंडार मिला। एसपी सिटी की टीम ने जब गोदाम खोला तो एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट और अन्य खाने के आइटम्स मिले। दीपावली पर इन सामानों को बेचने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने गोदाम मालिक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच जारी है। गाजीपुर में पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी जोन मोहित गुप्ता ने गाजीपुर के सदर कोतवाली में सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं का निस्तारण, विवादों में निरोधात्मक कार्रवाई और अपराधियों की निगरानी के लिए दिशा निर्देश दिए। पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने नायर उत्सव 2024 की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बागी गांव में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, जिसमें हेलीपैड, स्टेज, पंडाल और आरती स्थल शामिल थे। उत्सव 24-26 अक्टूबर को होगा। जिलाधिकारी ने सभी तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए और संबंधित अधिकारियों को कई जिम्मेदारियां दी। हरिद्वार में सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य भगवत प्रसाद मकवाना ने मैनुअल स्क्वेक वेंजर्स एक्ट पर बैठक में कहा कि अधिकारी इसे अध्ययन कर लाभ पात्र तक पहुंचाया। उन्होंने नगर निगमों से आउटसोर्स कर्मचारियों की सूची भेजने और उन्हें ईपीएफ ईएसआई सुविधाएं देने के भी निर्देश दिए। पौड़ी में 6 सूत्री मांगों को लेकर जिला पंचायत सदस्यों का धरना जिला पंचायत अध्यक्ष के आश्वासन पर आज स्थगित कर दिया गया। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि यदि समस्याएं हल नहीं हुई तो फिर से धरना किया जाएगा। बता दें कि बीते 8 दिनों से धरना दे रहे सदस्यों ने बजट की जानकारी और नियमित अफसरों की तैनाती की मांग की है। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन राहुल बेदी के नेतृत्व में यूनियन के पदाधिकारियों और किसानों ने अपने 7 सूत्र सहित अन्य मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार में जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए तेजी से काम किया जाए और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क पर बने गड्ढों को भरने का भी आदेश दिया ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। हरिद्वार में एक 11 साल के छात्र का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी नीरज कुमार जाधव ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। बता दें कि मृतक बच्चा 5 दिन से घर से लापता था। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 29वां दीक्षांत समारोह गांधी सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें कुलाधिपति और राज्यपाल ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम की शुरुआत जीवन और पर्यावरण के 5 तत्वों पर काव्य पाठ से हुई। कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने अतिथियों का स्वागत पौधों से किया। समारोह में कई स्नातक और परस्नातक पाठ्यक्रमों के सर्वोच्च छात्रों को मेडल दिए गए। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर देवप्रयाग के पास सेना का ट्रक पलट गया, जिसमें एक जवान की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब ट्रक गौचर से देहरादून जा रहा था। बछेली खाल पुलिस ने जवान को ट्रक के नीचे से निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फतेहपुर में भाकियू टिकैत गुट ने के विकास भवन में बैठक कर किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। किसानों ने पराली जलाने पर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया और बड़े धरने की चेतावनी दी। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि धान की कटाई के दौरान छोटे किसानों पर बेवजह कार्रवाई हो रही है। उन्होंने 27 अक्टूबर को प्रयागराज में होने वाले महापंचायत में आगे की रणनीति तय करने की भी बात कही है।